हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा WCC3 का जो फुल वर्जन आने वाला है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है WCC3 का जो फुल वर्जन का जो साइज़ होने वाला है वो 1 GB से भी ऊपर जाने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो ये न्यूज़ हम लोगों को WCC3 की तरफ से आया दोस्तों। तो इसमें साफ साफ लिखा है WCC3 का जो फुल वर्जन आने वाला है वो 1 GB से भी ऊपर जाने वाला है। तो दोस्तों ये तो कंफर्म न्यूज़ है, मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ WCC3 का जो फुल वर्जन आने वाला है उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों क्या WCC3 का फुल वर्जन जो रिलीज होने वाला है वो 2 GB रैम में चलेगा कि नहीं, अगर चलेगा तो कैसे चलेगा, ये सब आज का वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर रखना है दोस्तों, उससे आप बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया है तो जल्दी से जाओ फॉलो कर लो और आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कितना स्पेस का जरूरी है वो पहले बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को जो स्पेस जरूरी है वो है लगभग 2 GB का आप लोगों का स्पेस खाली होना जरूरी है दोस्तों। अभी आप इधर बोलेंगे जब भाई जो गेम है जो फुल वर्जन आने वाला है वो है 1 GB का स्पेस होने वाला है तो 2 GB का स्पेस क्यों जरूरी है, तो बताऊंगा दोस्तों। तो जो गेम है वो पहले तो 1 GB होने वाला है और आप जब डाउनलोड करेंगे आप लोगों को जो डाटा है वो स्टोर होगा, मतलब जो भी आप गेम खेलेंगे उसका जो डाटा है वो आपका जो इंटरनल स्टोरेज में ही स्टोर होगा। इसका मतलब जो गेम है वो 1.5 GB से भी ऊपर जाएगा दोस्तों। और जो गेम है उसका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, लगभग 2 GB तक भी जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए आप लोगों को जो स्पेस ज़रूरी है वो है लगभग 2 GB स्पेस आप लोगों को ज़रूरी होना चाहिए। अभी बात करते हैं दोस्तों आप लोगों को कितना रैम जो है ज़रूरी है। तो दोस्तों रैम कितना होना चाहिए ये बताने से पहले मैं आप लोगों को रैम कैसा काम करते ये बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों जब आप गेम डाउनलोड करते हैं, मतलब जो भी गेम है वो डाउनलोड करते हैं, तो आपका जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई करेगा इंटरनल स्टोरेज में। लेकिन जब आप ऐप को यूज़ करते हो तब आपका जो स्पेस है वो रैम ऑक्यूपाई करेगा दोस्तों। मतलब आप जो भी 1 GB का गेम जो यूज़ कर रहे हो तब आपका जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो रैम हैंडल करेगा दोस्तों। तो रैम एक टाइप का इंटरनल स्टोरेज ही है दोस्तों। जब आप काम करते हो वो फाइल, मतलब जो भी आपका मतलब गेम खेल रहे हो वो जो फाइल होता है वो रैम हैंडल करता है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को जो रैम अच्छा होगा तो आप लोगों को जो फाइल है वो बहुत ही ज़्यादा आराम से चलेगा। अगर आप लोगों को रैम अच्छा नहीं होगा जो फाइल आप लोगों को उतना ज़्यादा आराम से नहीं चलेगा और आप लोगों को जो लैग और बग्स देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों, जब आप जो भी ऐप को यूज़ करते हो तब आप लोगों को जो बेस है वो, मतलब जो भी आप लोगों का जो साइज़ है वो पूरे के पूरे रैम में आ जाता है दोस्तों। तो जो भी है मतलब प्रेशर पड़ जाता है रैम के ऊपर अगर आप लोगों को जो रैम है मतलब ठीक ठाक नहीं होगा तो। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों का जो प्रोसेसर होगा वो तगड़ा होगा तो आप लोगों को रैम में उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और आप लोगों को जो भी गेम है वो बहुत ही आराम से चलेगा दोस्तों। मतलब अगर आप मान लो आप लोगों को जो गेम है, मतलब आप लोगों को जो रैम है वो 2 GB है लेकिन आप लोगों का जो प्रोसेसर है वो बहुत ही बड़ी, मतलब बहुत ही अच्छा है, तब आप लोगों को जो गेम है बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा दोस्तों। लेकिन अगर आप लोगों को जो रैम है 3 GB है लेकिन फिर भी आप लोगों को जो प्रोसेसर है अच्छा नहीं है तभी भी आप लोगों को जो लैग है देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों का जो प्रोसेसर है वो तगड़ा है तो अब आप लोगों को जो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जो WCC3 का जो फुल वर्जन आएगा तब आप बहुत ही आराम तरीके से आप लोगों को खेल पाएंगे। लेकिन उतना बढ़िया एक्सपीरियंस जो आप लोगों को नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, आप लोगों को थोड़े बहुत जो है लैग और बग्स देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। क्योंकि जब गेम का जो साइज़ है वो 1 GB से भी ऊपर चल जाता है तब 2 GB रैम जो है तो उतना बढ़िया तरीके से हैंडल नहीं कर पाता है दोस्तों। थोड़े बहुत अगर आप लोगों को जो प्रोसेसर अच्छा होगा तो अब आप लोगों को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस, मतलब उतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को ग्राफिक्स नहीं देखने के लिए मिलेगा, मतलब उतना अच्छा आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना आप लोगों को अच्छे डिवाइस में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप लोगों को जो रैम है वो अच्छा होगा और आप लोगों को जो भी प्रोसेसर होगा वो भी अच्छा होगा तब आप लोगों को जो गेम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलेगा और आप लोगों को जो भी बग्स है मतलब आप लोगों को जो लैग वो सब नहीं देखने के लिए मिलेगा और आप लोगों को जो गेम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मतलब बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा दोस्तों उसमें। तो दोस्तों और मुझे नीचे कमेंट कर बताओ जिन जिन का 2 GB रैम है और 3 GB रैम है।
तो दोस्तों फाइनली मैं यही कहना चाहता हूँ, आपका जो रैम है अगर आप लोगों को 2GB रैम भी होगा, मतलब 2GB रैम भी होगा, आप लोगों को जो प्रोसेसर अच्छा होगा तब आप लोगों को जो गेम है बढ़िया तरीके से चलेगा, लेकिन आप लोगों को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जितना एक्सपीरियंस आप लोगों को अच्छे डिवाइस में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यही है WCC3 का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे नीचे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हूं दोस्तों, उधर भी आप मुझे जाकर फॉलो कर आप मुझे पूछ भी सकते हैं दोस्तों जो भी आप लोगों को पूछना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया तो जल्दी से जाओ लाइक कर दो और वीडियो को शेयर करो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा दोस्तों, अलविदा।